एमपी विधानसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव भले ही पास नहीं हो पाया हो, लेकिन कांग्रेस के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने तो शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी की माने तो राज्य की सरकार उधार लेकर घी पी रही है और इवेंट के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इवेंट के माध्यम से 50 अरब रुपए का, 50 अरब ध्यान रखना शब्द को, 10 अरब रुपए जनसंपर्क से और 40 अरब रुपए अलग अलग विभाग से मुख्यमंत्री ने इवेंट के नाम पे खर्च किए। इवेंट मीन्स जो रोज भीड़ लाते हैं, रोज बड़े बड़े मंच सजते हैं, जो कार्डलेस माइक से वो लोगों को सस्पेंड करते हैं, वो जिस तरीके की घटनाएं हम और आप प्रदेश देख रहे हो, वो भीड़ पैसे से लाई गई सरकारी भीड़ होती है और उसमें 50 अरब रुपया छोटी मोटी राशि नहीं है प्रदेशवासियों, ये मध्य प्रदेश के बेटों और भावी पीढ़ी पर घात है, आघात है। फिर उन्होंने एक बात कही कि जीतू पटवारी ने गलत आरोप, मैं दावा करता हूं, चुनौती देता हूं कि बीजेपी कार्यालय में अगर सरकारी पैसे से कोई खर्चा हुआ हो, मैं प्रमाण, मैंने वहां भी अनुमति मांगी थी कि अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दो, मैं पटल पे रखना चाहता हूं सरकारी विभाग के उत्तर को। ये कल्पना कर सकते हैं प्रदेशवासियों, कितना भी आर्थिक संपन्न आदमी हो, अगर उसके घर में एक कप चाय बनती है तो कितने की बनती है? हम और आप एक कप चाय पीते हैं तो कितने की पीते हैं? मध्य प्रदेश में कोई 20 रुपए की पी लेता होगा, कोई 30 रुपए की पी लेता होगा, और चार तरह के मसाले डाल दे या और कोई विदेश से लेके आ जाए तो 100 रुपए की चाय हो सकती है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 400 रुपए की पर कप चाय पिलाई है 200 लोगों की 80,000 रुपए में। याद रखो इस बात को, समझो और सोचो कि ये मध्य प्रदेश की लूट की सरकार, इन्होंने जैसे विधायक खरीदे वैसे ही मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम, अतिथि शिक्षकों के मामले और बेरोजगारों के मामले को लेकर भी शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वो सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगारों के मामलों को लेकर सड़क पर उतरेगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मामले में, शासकीय कर्मचारियों के मामले में एक शब्द नहीं बोले। 2005 के पहले की पेंशन, इसके सवाल ये कांग्रेस जनों ने उठाए थे, इस पर एक शब्द नहीं बोले। अतिथि शिक्षकों के मामले में एक चीज नहीं बोले। जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या दूसरे विभागों के, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। और तो और जनसंपर्क मंत्री भी हैं, मीडिया कर्मी, जो प्रेसमैन है, जो पत्रकार है, इनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। कुल मिलाकर, लेकिन जैसा अभी आदरणीय सचिन यादव जी का, ये चीज उन्होंने मानी पहली बार कि ऋण माफी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं उनके साथ ये अन्याय किया है, और मध्य प्रदेश के जो हजारों हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया हैं, उनके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। ये इनका अपमान है। कांग्रेस पार्टी इन सब के लिए लगातार लड़ती रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन राज्य में सियासत जारी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।